नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस और आज के इस वीडियो में आप चेतक फेस्टिवल सारंगखेड़ा रहवाल रेस सेमीफाइनल राउंड 2 की वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 5 सेमीफाइनल राउंड का यहाँ मैच हुआ और जिसमें से 5 घोड़ों को सेलेक्ट करके फाइनल राउंड में उतारा गया, जैसा कि आपने फाइनल राउंड की वीडियो में देखा है। जैसा अभी आप देख रहे हैं, पहला राउंड चल रहा है और उसके हाफ राउंड का खेल खत्म होने पे अग्रसर है। सवार शरीफ सरफराज खान के घोड़े को लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे भी जो घोड़ा है, थोड़ा इसकी स्पीड तो कम है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। आपको बता दूं कि प्रत्येक राउंड में 5 घोड़ों को रखा गया। प्रत्येक सेमीफाइनल राउंड में 20 घोड़ों ने पार्टिसिपेट किया और उसी में से फाइनल राउंड में फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड का इनाम लोगों को दिया गया। आपको आगे चीज़ें और बता दूँ कि यहाँ पे सेमीफाइनल राउंड में जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये रहे कि केवल प्रथम आने वाले घोड़े को ही हर राउंड से लेना है। अगर यही बातें प्रत्येक साल चलती हैं तो सही है, अन्यथा अगर प्रत्येक साल में कुछ नियम बदलते हैं तो ये गलत होगा और सारंगखेड़ा की पूरी कमेटी को ये बातें समझनी होंगी। रहवाल चाल में कुछ कमियां भी दिखी हैं सारंगखेड़े रेस आयोजकों की तरफ से। आगे आने वाली वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। एक राउंड का खेल खत्म हो चुका है और सवार शरीफ सरफराज खान के घोड़े को लेकर आगे चल रहे हैं। आपको बता दूं कि इसी घोड़े ने यहाँ फर्स्ट पोजीशन भी प्राप्त किया था। इस घोड़े में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया। आपको बता दूं कि इस राउंड से केवल एक घोड़ा ही पार्टिसिपेट करेगा फाइनल में। प्रत्येक सेमीफाइनल राउंडों से मैं आपको 5 सेमीफाइनल राउंड दिखाऊंगा कि आप कम से कम ये देख सकें कि सारंगखेड़ा का जो रेस वहाँ पे रहवाल रेस संपन्न हुई उसमें कितने घोड़ों ने पार्टिसिपेट किया, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, कैसी उनकी चाल थी और कैसे कैसे रहवाल के घोड़े यहाँ पे आके अपना प्रदर्शन दिखाए। अभी सवार शरीफ सबसे काफ़ी दूरी से लीड बना के चल रहे हैं और जनता, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे जो क्राउड है काफ़ी शांति है। अगर रहवाल रेस की बात करें तो कुछ अगर रोचक तथ्य अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ ज़्यादा ना शोरगुल है ना कुछ भी है। लोगों को रहवाल रेस का जितना भी अनुभव यहाँ होना चाहिए वो नहीं है। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि रहवाल रेस होती कैसी है, क्या इसके नियम है। आगे आने वाली तमाम सारी वीडियो में मैं आपको पूरे सारंगखेड़े की कहानी डे बाय डे सुनाता जाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।